सो साक्षी, आपके पास कंपेयर करने के लिए हैं दीज टू, एल्डिहाइड राइट एंड कीटोन. सो विच वन ऑफ यू थिंक इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड और कीटोन? एल्डिहाइड एंड वाई? हाँ, क्योंकि कीटो में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है. ओके, सो यू आर सेइंग इन कीटोन देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस राइट? सो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कीटोन कम रिएक्टिव है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस से प्रॉब्लम क्या है? सी दिस इज कीटोन राइट? हाँ, क्योंकि फिर वो बाल्टी ग्रुप बन जाता है और फिर न्यूक्लियोफाइल उस पे आकर अटैच. यस साक्षी, टेल मी, यू सेड स्टेरिक हिंड्रेंस इज वन ऑफ द फैक्टर राइट? सो इससे क्या होगा कीटोन? मैम, जो कीटोन के पास आर और आर ग्रुप है वो वैसे ही बल्की है, तो अगर उसके पास जब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होगा तो उसे प्रॉब्लम होगी अटैच होने में, तो उसके लिए हमें सो यू आर सेइंग दैट अटैक करना ज़्यादा बेटर है एल्डिहाइड पे कम्पेयर टू कीटोन राइट? ओके, सो लेट सपोज एन ये आपका न्यूक्लियोफाइल है राइट? सो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है कार्बन पे, और आप अगर कार्बन को ध्यान से देखो तो कार्बन पे ऑलरेडी 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है. ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से होगा, जिस वो किसके बीच में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में. दिखने में कुछ आपको इस तरह से दिखेगा राइट? अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, आप पोजीशन देखो. अगर वो पीछे से अटैक कर रहा है तो दो आर ग्रुप पे अटैक कर रहा है. किसी भी कीटोन को आप ले लो, कीटोन के पास मिथाइल ग्रुप्स होंगे राइट? और जैसे जैसे हम ये ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे, डिफिकल्टी रिएक्टिविटी के लिए और बढ़ती जाएगी कीटोन के केस में. इवन आप एसीटोन का ही केस ले लो, जिसमें दोनों साइड CH3 है. देखो कार्बन मिथाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, दोनों साइड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड होगा, फिर CH3. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ यहीं पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, इट्स नॉट सो ईजी. तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ग्रुप, वैसे वैसे ये डिफिकल्टी और बढ़ती जाएगी. इसलिए जो पहला फेवर गया वो गया एल्डिहाइड को, क्योंकि इसमें अटैक करना इजी होगा राइट, कंपेयर टू द कीटोन. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर राइट. एक और फैक्टर है, याद है आपको मैंने जो बॉइलिंग पॉइंट के टाइम समझाया था, क्या था वो? बट इसको हम ज़्यादा बेटर समझा सकते हैं पोलैरिटी के केसेस में राइट? राइट, बॉन्ड पोलैरिटी देखें एल्डिहाइड और कीटोन की. एंड इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि आर ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं राइट? यस मैम. सो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट यू थिंक? सो पहला फैक्टर जो फेवर कर रहा है वो कर रहा है एल्कोहल को, एल्डिहाइड को राइट? और इसी तरह से हमारे पास दूसरा फैक्टर भी होता है. इस फैक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या इंडक्टिव फैक्टर जो आप कह रहे हो, लेकिन इसको हम पोलैरिटी के बेसिस पे ज़्यादा बढ़िया समझ सकते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप आई फैक्ट से समझा लो, कोई बात नहीं. मैम, एल्डिहाइड ज्यादा पोलर होता है कीटोन से, इसलिए एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल क्या कहा आपने, क्या कहा? ज्यादा इजिली होगा. कैन रिपीट दैट? एल्डिहाइड ज्यादा पोलर होता है कीटोन से. ओके, एंड ओके, सो आप ये कह रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज एल्डिहाइड के केस में है राइट? सो द सेकंड फैक्टर वी हैव, दिस इज द सीओ ऑफ एल्डिहाइड. अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन ग्रुप है एल्डिहाइड का राइट? और इसमें आर ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कार्बोनिल का बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये आर ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा राइट? और यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं, कुछ खास नहीं. लेकिन कीटोन के केस में उल्टा है. इन केस ऑफ कीटोन वी हैव टू एल्काइल ग्रुप, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाला केस आएगा वो ज़्यादा आ जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट ये जो है
पोलैरिटी जो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसी केस में होगा, एल्डिहाइड केस में, ना कि कीटोन के केस में। तो क्योंकि ज़्यादा पोलैरिटी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा अटैक उतना तेज़ी से उस पर होगा न्यूक्लियोफाइल का। सो ऑब्वियसली तो ऑल दीज फैक्टर्स, वेदर इट इज स्टेरिक फैक्टर और द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इसको हम आई फैक्ट भी कहते हैं, दे आर फेवरिंग एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड पे रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगी कम्पेयर टू द कीटोन।